हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परपेचुअल्स किचन। आज हम बना रहे हैं सोया चंक्स के पकोड़े। तो इसके इंग्रेडिएंट्स है 150 ग्राम सोया चंक्स है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। और 1.5 लीटर पानी बॉईल करने रखेंगे। देखिए पानी अब उबल रहा है। अब हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे। इसे हम बॉईल करेंगे अब 5 मिनट के लिए। तो चलिए 5 मिनट हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे ड्रेन करेंगे। अब हम सोया चंक्स को स्क्वीज करके अलग बाउल में रखेंगे। अब हम अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, मैदा ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए सोया चंक्स के अच्छी तरह से कोटिंग हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल गरम करने रखेंगे। अब देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसे इसमें फ्राई करेंगे, एक एक डाल के फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब हम इसे पलटेंगे। और 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए कितने अच्छे तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे। अब हमारे सोया चंक्स के पकोड़े तैयार है।